माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत मंजूर कर ली है। जान से मारने की धमकी देकर अबू फकर खान नाम के एक शख्स की जमीन अपने नाम कराने के मामले में दर्ज FIR पर हाई कोर्ट ने जमानत दी है। अब्बास अंसारी के साथ ही उसके मामा अतीफ रजा उर्फ सरजिल रजा और करीबी अफरोज को भी जमानत मिली है। इन तीनों अर्जियों पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 1 अगस्त को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद अब्बास अंसारी अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। एक ऐसे ही जुड़े मामले में जमानत की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब्बास के मामा अतीफ रजा और करीबी अफरोज जेल से रिहा हो जाएंगे। गाजीपुर की शहर कोतवाली में अबू फकर खान नाम के शख्स ने 12 अगस्त 2023 को एक FIR दर्ज कराई थी। माफिया मुख्तार अंसारी, उनकी पत्नी अफशा अंसारी, विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले अतीफ रजा व अनवर शहजाद और अंसारी परिवार के करीबी अफरोज के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। इनके खिलाफ ठगी, रंगदारी, जान से मारने की धमकी देने, जमीन बेचने व पैसे हड़पने और साजिश रचने की धाराओं में FIR दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के सामने अबू फकर खां की बेशकीमती जमीन थी। मुख्तार अंसारी ने अपने दोनों सालों को भेजकर 2012 में अबू फकर खां को लखनऊ जेल बुलवाया था। जमीन अपने बेटे अब्बास अंसारी के नाम करवाने का दबाव बनाया था और जमीन न बेचने पर हत्या की धमकी भी दी थी। दावा है कि आरोपियों ने सर्किल रेट के आधार पर 20 लाख का चेक और 4 लाख कैश देकर बैनामा करा लिया था। इस दौरान अफरोज अतीफ रजा और अनवर शहजाद पीड़ित के घर पहुंचे और उसे अब्बास अंसारी के पास ले गए। आरोप है कि अब्बास ने पिस्टल लगाकर उसे धमकाया और चेक पर साइन करा लिया। इसके बाद बैंक से लाखों रुपए निकाल लिए और जमीन भी हड़प ली। वारदात में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी भी शामिल थी। अतीफ रजा और सरजील इन दिनों लखनऊ जेल में बंद। इस मामले में मुख्तार के बड़े साले अनवर शहजाद को जमानत मिल चुकी है। फिलहाल अब्बास को इस मामले से राहत मिलती दिख रही है, लेकिन अभी उसका जेल से बाहर आने के आसार कम लग रहे हैं। अभी ऐसे कई मामले हैं जिनकी सुनवाई अभी भी कोर्ट में लंबित है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।